नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। उदयपुर संभाग की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बटन को दबाना ना भूले और देखते रहे एकता समाचार। धन्यवाद। महिपाल खेल मैदान में एकलव्य वीर सेवा संस्थान सागवाड़ा की तरफ से चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। सोवारों का डूंगरा SKD एवं वल्लियों का डूंगरा BKD की टीम के बीच हुआ फाइनल मैच, जिसमें वल्लियों का डूंगरा BKD की टीम ने सोवारों का डूंगरा SKD की टीम को 24 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। BKD ने पहले खेलते हुए 117 रन बनाए, जवाब में SKD 93 रन पर सिमट गई। वल्लियों का डूंगरा BKD की टीम के कमलेश को मैन ऑफ द मैच दिया गया। फाइनल मैच में प्रकाश खटीक और नरेश भागरिया ने कमेंट्री की एवं उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी ने विजेता टीम एवं खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी व शील्ड देकर सम्मानित किया। महिपाल ग्राउंड के अंदर एकलव्य भील सेवा संस्था आदिवासी समाज का क्रिकेट प्रतियोगिता में हमारे निशान जी बताइए, कितने मैच हुए आपके और क्या क्या समापन में होगा? एक बार तो आप सबका एकलव्य बिल सेवा संस्थान सागवाड़ा की तरफ से खूब खूब स्वागत, और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि एकलव्य बिल सेवा संस्थान की तरफ से पहली बार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 12 मोहल्लों की 32 टीमें खेल रही हैं, और आज समापन है, और समापन में वड़ियों का डूंगरा है और सवारों का डूंगरा है, दोनों टीमें आमने सामने हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि पिछले 5 दिन से ये मैच चल रहे हैं, यहाँ पर जा रहा है कि अपन वीर एकलव्य, और यहाँ पर जयपाल सिंह जी मुंडा की तस्वीर। सर, जयपाल सिंह जी के बारे में थोड़ा, जीवनी के बारे में थोड़ा बताइए। सर, जयपाल सिंह जी मुंडा की बात करें तो 1903 में जिनका जन्म हुआ है और ये खूंटी जिले से हैं, और यहाँ पर भारत को पहला गोल्ड दिलवाने वाले हॉकी में जो कप्तान थे उनके कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में भारत पहली बार गोल्ड पदक जीता था, और आज संविधान निर्माता समिति के ये सदस्य भी थे, जिनके नेतृत्व में बहुत बड़ा भारत को मतलब सहयोग मिला है, जिनको आज नमन करता हूँ मैं, और पूरा समाज आज उनको नमन करता है। ये थे हमारे निशान जी डेंडोर, आयोजन करता एकलव्य भील सेवा संस्थान आदिवासी समाज सागवाड़ा। इसके बाद एक भव्य समापन समारोह है, सभी पत्रकार ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, इसका सीधा लाइव आप YouTube चैनल एकता समाचार पर कल सुबह 6 बजे देख सकते हो मैच का लाइव। एम्पायर जल्द से जल्द मैच चालू करवाएं, लीग एम्पायर ग्राउंड में पहुंचे, एम्पायर मुकेश खूबसूरत झलक के प्रत्येक छक्के पर महेश भाई आहारी की तरफ से उनके मामा 51 रुपए का नगद पुरस्कार, जितने भी छक्के लगा पाए झलक को लगाने होंगे और मामा को लूटना होगा। विकास को 201 रुपए का नगद पुरस्कार, दोनों ही खेमा काफी खुश, दोनों ही खेमे में शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन जब दो शेर खेलते तो एक जीतता और एक हारता, लेकिन जीत समाज की हुई है, आज समाज जीता है। सभी खिलाड़ी को गले मिलना चाहिए एक बार, और सभी को धन्यवाद देना चाहिए। इतना माहौल है, बहुत ही खुशी का माहौल है। एकलव्य भील सेवा संस्थान की तरफ से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की 12 मोहल्लों से 32 टीमों ने भाग लिया, और यहां पर एक एक करके दिन निकलते गए, पल गुजरते गए, और आज उस घड़ी का जिसको हमें पिछले 5 दिनों से इंतजार था वो आज हमारा पूरा होने जा रहा है, और जिसका माहौल हम देख ही रहे हैं।
और पूरे एकलव्य वीर सेवा संस्थान की तरफ से हमारे बीच एसडीएम सर भी बधाए हुए हैं, जिनका मैं पूरे समाज की तरफ से हर व्यक्ति की तरफ से खूब खूब स्वागत आभार सर का स्वागत सम्मान के लिए मैं समाज की कमेटी से निवेदन करूंगा कि सर का साफा बनकर स्वागत करें। सारी टीम की तरफ से एक बार साफा बांधकर सर का स्वागत हो रहा है। अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सर का स्वागत करें। साफा बांधने के लिए अगर किसी को आता है बांधने तो आ जाए आगे। पहली बार सर का स्वागत किया जा रहा है तो मैं भी यही चाहूंगा कि इसी तरीके से आने वाले समय में हम सबका स्वागत करते रहें। बहुत ही खुशी की बात है, ये खुशी के पल ऐतिहासिक पल है जो कि महिपाल मैदान में एकलव्य वीर सेवा संस्थान द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी के साथ यहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता में जैसा कि सबको पता है और सर के सम्मान के बाद मैं संविधान निर्माता समिति के जयपाल सिंह मुंडा का सर के हाथों और समाज के अध्यक्ष मुकेश भाई सोवारा और सारी टीम के हाथों से सर का एक बार जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समापन समारोह का बारह मोहल्ला के खिलाड़ियों का पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी शांतिपूर्ण तरीके से इस आयोजन को रखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कार्यकारिणी वर्तमान कार्यकारिणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस आयोजन को संभालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनका भी धन्यवाद। हमारे केशव साहब, महामंत्री साहब और वरिष्ठ जन जो भी यहाँ मौजूद हैं उनका खूब खूब आभार। हमारे समाज का नाम हमेशा झगड़े के लिए जाना जाता है और ये पहली बार ऐसा हुआ। हम भाई टूर्नामेंट हमारे सभी भाइयों छोटे बड़े और वडीलों का बहुत सपोर्ट रहा और हमारा ये टूर्नामेंट इतना सक्सेस हुआ जितना हमने सोचा नहीं था। और आज के मैच तो ऐसे थे सर, तो मैं कहूँ कि मतलब कभी भी परिस्थिति कुछ भी हो सकती थी, लेकिन भाई जिसका मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी मैं यही चाहूंगा कि इस तरह का टूर्नामेंट हो और हमारा समाज आगे जाए, जिससे यह लगे कि लेजर की टूर्नामेंट में भी ऐसे खिलाड़ी निकले कि दूसरी जगह अगर खेलने जाए तो सागवाड़ा का नाम रख सकते। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो मेरे को पहले खिलाड़ी में अच्छे रन बनाता हूँ और मेरे समाज को धन्यवाद, बस यही कहना चाहता हूँ ऐसी टूर्नामेंट होती रहे। स्वागत करना चाहूंगा आप सबका। फोटोग्राफी जल्दी का आगाज हुआ जिसमें विजेता और उप विजेता टीमों को बहुत ही बड़ी ट्रॉफी के साथ में सम्मान दिया जा रहा है। दोस्तों यहां पर एसकेडी और बीकेडी का मैच हुआ जिसमें एसकेडी उप विजेता रही और बीकेडी विजेता रही, तो विजेता टीम को ट्रॉफी देते हुए धन्यवाद जिन्होंने इन सब के लिए एक छोटी सी लाइट। धन्यवाद। और दोस्तों यहाँ पर ट्रॉफी वितरण हो चुका है, लेकिन भामाशाहों ने जिन भामाशाहों ने अपनी सहयोग राशि देनी थी वो सभी भामाशाह अपना सहयोग यहाँ पर देने के लिए। आदिवासी समाज का जो मैच चला उसके अंदर एसकेडी और यूकेडी ने जो मैच फाइनल खेला उसके लिए हमारे खिलाड़ी बधाई के पात्र है। भैया बताइए, आपने ये जब खेल खेला तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और पहले तो मैं सभी क्रिकेट प्रतियोगिता करवाने को समाज को मेरा धन्यवाद बहुत बहुत और अच्छा चला मैच हमारा। ये मैच विकास को जाता, विकास नजर आ रहा है कि विकास
ये जो आपके सामने एकता समाचार के माध्यम से विकास जी बताइए, ये मैन ऑफ द मैच जो आपने जीता, आपकी टीम ने जीता, ये आपसे पूरा आपको जाता, इसके लिए आप क्या कहते हो? मैं तो यही जानता, मेरा कोई रोल नहीं था, पूरी टीम मिलकर खेली, इसी तरह हम फाइनल जीत पाए, सबकी रहता। हमें एक और खुशी की बात मिली कि आदिवासी समाज का ये पहला मैच था और ये आपने तैयारी कैसे करी, तैयारी के बारे में थोड़ा। सभी से निवेदन है कि थोड़ी देर रुक जाएं, पूरी प्लानिंग के साथ खेले और पूरे खिलाड़ियों ने अच्छा साथ दिया, हम टूर्नामेंट जीतना चाहते थे इसलिए हम बहुत मेहनत की इसके लिए। आज हमारी टीम ने बताई कि हमने बहुत मेहनत करी और ये तैयारी के साथ हमने मैन ऑफ द मैच जीता, इसके लिए एकता समाचार इनकी सागवाड़ा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कमलेश भाई को जरा कमलेश जी बताइए। हाँ भाई, समाज का धन्यवाद कमलेश जी, हमारे समाज को धन्यवाद। हमारे सामने सुवारा को डुमरा की टीम पहली मरतबा सागवाड़ा टीम ने जो खेला, उसके लिए हमारे राजेश जी, राजू भाई बताइए, ये शेयर पूरा आपको जाता है क्योंकि यहाँ पे सागवाड़ा के अंदर पहली बार आपकी ये समाज का जो मैच हुआ, उसके लिए आप क्या कहते हो? ऐसा है कि भाई ये सहयोग सभी के सहयोग से हुआ, इन्होंने जो मुझे श्री दिया उसके लिए उनका खूब खूब धन्यवाद। लेकिन मेरा मार्गदर्शन में ये सब आगे बढ़ रहे हैं और आशा करता हूँ कि आगे जाके ये और भी बड़ी बड़ी टीमों में खेले और इनके जितना भी सहयोग हो सके हम हमारी तरफ से करने की कोशिश करें। बहुत बधाई। आपने छक्के मारे, बोले भी बहुत अच्छी मारे, इसके लिए आपके पूरी टीम आपके साथ में रहेगी, इसके लिए आप क्या कहते हो? जी सर, ये हमारे हमारे कप्तान साहब जो हमको बिल्कुल हम लाइन और लेंथ से बॉल करने का बोलते हैं और एक टीम एकजुट होकर खेलते हैं, अगर हम इधर उधर बॉल डालते तो हमारा नुकसान ही होता, इसलिए इनके मार्गदर्शन में हम खेल सकते हैं और इनकी मतलब कब से ये मतलब मेरी जितनी उम्र है शायद इतना क्रिकेट खेल लिया होगा इनके मार्गदर्शन। यहाँ पे देखो एक मिसाल की एकता की एक मिसाल मिलने मिली हमारे बल्लू डोंगरा के जो एक मुस्लिम समाज से, ये बताइए आप सोच रहे हो इसके बारे में, आप पूरी टीम टूर्नामेंट हुई है बहुत अच्छा लगा, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इनको और ऐसे किसी तरह से खेलते रहे और खास करके ये लड़ाई झगड़े हुए नहीं इसमें, बहुत अच्छा लगा। जो भी आपने सर में टेमिंग के लिए उनको कहना चाहता हूँ किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें और आपस में मिलकर भाईचारे का रूप से सहयोग करें और आगे राजू भैया से मैं निवेदन यही करता हूँ कि टीम को इसी तरह आगे बढ़ाएं और हमें बड़ा नाम रोशन होता है।